नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज पर्सनालिटी, हाउ टू डिफाइन पर्सनालिटी, कैसे जो बड़े बड़े फेमस रिसर्चर थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर रिसर्च किया, अपनी थ्योरी लेकर आए और किस तरीके से उन्होंने पर्सनालिटी को डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पे डिफाइन किया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जब हम डेली की लाइफ में देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं वही टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करती हूँ जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के साथ देखती हूँ। जिस तरीके से हम काउंसलिंग के सेशन में सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसके लिए जो उसका पॉजिटिव एक नज़रिया होता है, जो उसकी लाइफ के लिए जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसको हम उसको गाइडेंस देते हैं, तो मैं वही चीज़ आपके सामने लेकर आती हूँ। और ये बहुत ही ज़रूरी है इस टॉपिक पर बात करना कि कैसे किसी को हम चेंज होता हुआ देख सकते हैं और कैसे किसी की पर्सनालिटी को हम जज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, और कैसे कोई आसानी से बदल जाता है और कैसे कोई सालों सालों तक बदलता ही नहीं है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता, वो जैसे पहले था वो वैसे रिमेन अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखता है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पर्सनालिटी के ऊपर एक वीडियो पे बात करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देर आर मैनी करेक्टरिस्टिक्स इन पर्सनालिटी जो एक वीडियो पे तो डिफाइन मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ के थ्रू, उसके टाइप्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को एंड तक आप सभी ने ज़रूर देखना है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आपको अपने कम्युनिटी में भी इसको शेयर करना है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत टफ भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है किसी पर्सनालिटी को डिफाइन करना। अब जिस तरीके से एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, पर्सनालिटी इज़ लाइक अ हिडन डिज़ायर, राइट? इट्स लाइक अ हिडन डिज़ायर। जो हमारी डिज़ायर होती है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना किसी को बता पाते हैं, ना ही किसी के साथ शेयर कर पाते हैं। जस्ट लाइक आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई हैव अ गोल। तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ हिडन डिज़ायर जो एक पर्सन अपने अंदर छुपा के रखता है। कुछ लोग होते हैं जो आसानी से अपनी जो फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस कर देते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जो डिज़ायर होती है वो किसी को बताते नहीं हैं। तो पर्सनालिटी भी एक हिडन डिज़ायर की तरह काम करती है। काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो हम डे बाय डे अपनी लाइफ में लर्न करते हैं इंट्रैक्शन के थ्रू, सोसाइटी के इंट्रैक्शन के थ्रू, जो हम सोसाइटी के साथ अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट करते हैं, उसके अंदर जो हम चेंजेस देखते हैं उसको भी हम पर्सनालिटी से डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी इज़ लाइक अ हिडन डिज़ायर, बहुत सारी छुपी हुई इच्छाओं को दबा के रखती है हमारी पर्सनालिटी, और जो पर्सनालिटी का करैक्टरिस्टिक होता है उसके ऊपर भी जो हमारी हिडन डिज़ायर होती हैं वो काम करती रहती हैं। कुछ लोग काफ़ी तरीके से पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारे, जैसे हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम आज भी पर्सनालिटी के ऊपर रिसर्च करते ही रहते हैं। जिन लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, जो बड़े बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने जिस तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन किया और जिस तरीके से आज हम पर्सनालिटी के साथ चेंजेस देख रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरे तरीके से जो मैं पर्सनालिटी को डिफाइन करती हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है बताने का, मैं पर्सनालिटी को एक हिडन डिज़ायर की तरीके से डिफाइन करती हूँ। सच में जितने मैंने काउंसलिंग के सेशन अटेंड किए हैं, जितने मैंने सब्जेक्ट के ऊपर काम किया है, मैं उस तरीके से पर्सनालिटी को बता रही हूँ। मैं कहीं से भी पढ़ी पढ़ाई बातों को आपको यहाँ पे नहीं बताती हूँ। प्रैक्टिकली तौर पे जो मैं एक्सपीरियंस लेती हूँ वही मैं अपने यहाँ पर शेयर करती हूँ। आपने देखा होगा जब हम कभी किसी से मिलते हैं, चाहे उससे एक बार क्यों ना मिले, चाहे उससे दो साल के बाद क्यों ना मिले, वो बंदा वैसे का वैसे रहता है, उसके ऊपर ना कोई चेंजेस नहीं होता। उसके बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर, जिस तरीके से वो आपको दो साल पहले मिला था, उस तरीके से वो दो साल बाद भी रिमेन अपनी पर्सनालिटी को वैसे ही बनाए रखता है, आपके लिए वो बदलता नहीं है। तो ये बहुत कम लोगों में देखा गया है कि कुछ लोग ना सालों साल तक वैसे ही रहते हैं, किसी के लिए बदलते नहीं हैं, उनका नेचर वैसा ही रहता है। वो कभी अपने आप को ना, ऐसा नहीं कि आज रात हुई तो मैं आज ऐसे बन जाऊँगा, कल दिन होगा तो मैं ऐसे बन जाऊँगा, मैं उसके साथ ऐसे बिहेव करूँगा, मैं उसके साथ वैसे बिहेव करूँगा, वो लोग इस तरीके से नहीं बिहेव करते हैं। वो अपने पर्सनालिटी के करेक्टरिस्टिक को वैसे ही बनाए रखते हैं। आज भी जो रिसर्चर होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं,
वो पर्सनालिटी को कुछ नहीं मानते, वो सिर्फ पर्सनालिटी को एक ट्रेट्स मानते हैं कि जो ह्यूमन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो पर्सन होता है, जो उसकी पर्सनालिटी होती है, वो ट्रेट्स के ऊपर काम करती है। वो ये नहीं कहते कि पर्सनालिटी एक डिसऑर्डर है, क्योंकि हम लोगों ने जितना स्टडी किया है पर्सनालिटी के, हमने पर्सनालिटी के टाइप्स, उसके डिसऑर्डर, किस तरीके से उसके ऊपर हम काम करते हैं, उसको भी हमने पढ़ा है। तो बट यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट आज भी पर्सनालिटी को डिसऑर्डर मानते ही नहीं है, वो ट्रेट्स के तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं अपने अपने नज़रिए से। बट बहुत से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और जो उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है पर्सनालिटी के ऊपर, वो क्या कहते हैं कि पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। मतलब पर्सनालिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कीप्स ऑन चेंजिंग, जो स्टेबल नहीं होती है, चेंज होती रहती है, इसीलिए उसे डायनेमिक कहा गया है। जैसे हम लर्न करते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं, डे बाय डे अपनी सोसाइटी से इंट्रैक्शन करते हैं, इंट्रैक्शन के समय हम उनसे कुछ पॉजिटिविटी गेन करते हैं, तो हम पर्सनालिटी को ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे मैं घर पर एक मदर का रोल प्ले करती हूँ, हाउसवाइफ का रोल प्ले करती हूँ, बट ऑफिस में एक साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले करती हूँ, काउंसलर का रोल प्ले करती हूँ, पेशेंट के लिए मैं काउंसलर हूँ, उनको गाइडेंस देती हूँ। उस तरीके से मैं जब अपने दोस्तों से मिलती हूँ तो मैं वहाँ पे अलग अपना रोल प्ले करती हूँ। तो जो हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि किस सोसाइटी में हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी प्रेजेंट हो रही है। और जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ किया गया है वो इसी के लिए यूज़ किया गया है कि जो पर्सनालिटी है वो एक साइको और फिजिकल तरीके से काम करती है, इसीलिए पर्सनालिटी को डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पर्सनालिटी होती है, जब हम एनवायरनमेंट में जाते हैं, एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारी पर्सनालिटी भी डिफर हो जाती है, यानी कि वो उस तरीके से चेंज हो जाती है। हमारे जैसे पर्सनालिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट लाइक आर सिग्नेचर, हमारे जो हमारे सिग्नेचर होते हैं वो पर्सनालिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। जैसे आपने देखा होगा सिग्नेचर हमारे बदलते नहीं है, वो वैसे ही रहते हैं, उसी तरीके से पर्सनालिटी भी हमारी एक सिग्नेचर की तरह अपना इंप्रेशन डालती है सोसाइटी के ऊपर, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, हमारे पीयर ग्रुप्स के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा बताने का पर्पस यही था पर्सनालिटी के बारे में आप सभी को, कि पर्सनालिटी एक ऐसा ऑरा होती है जो समय के साथ बदलती रहती है। कुछ दोस्तों के लिए हम सालों से वैसे ही बने रहते हैं, कुछ लोगों के लिए हम बदलते रहते हैं कि भाई आज तो ये बहुत चेंज है। देखा होगा आपने कभी, हम जब किसी से मिलते हैं तो वो कहते हैं यार तू तो बहुत बदल गया, तू पहले जैसा नहीं रहा, तो उनके लिए हम बदल जाते हैं। बट कुछ लोगों के लिए हम वैसे ही रहते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं यार ये तो वैसे ही रहता है, जब भी देखो ना ये चेंज नहीं होता, ये बदलने वालों में से नहीं है। तो दुनिया की नज़रों में चाहे हमारी पर्सनालिटी किस तरीके से वो लोग बना के रखते हैं, बट जो पर्सनालिटी का ट्रेट्स है वो बदल सकता है, बट जो हमारा व्यवहार होता है वो समय के साथ थोड़ा बहुत वैसा ही रहता है। बट हम अपने बिहेवियर को बदल देते हैं, हम अपने नेचर को बदल देते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस को बदल देते हैं। तो पर्सनालिटी के ऊपर अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं, जो टाइप्स हैं, क्योंकि पर्सनालिटी के अंदर काफ़ी डिसऑर्डर्स भी हमने देखे हैं, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगी वीडियो के थ्रू, आप सभी को बताने की कोशिश करूंगी। तो इससे तो मुझे ये तो लग गया है कि आपको इतना तो पता चल गया है कि पर्सनालिटी एक बहुत ही अच्छा ट्रेट माना जाता है, और किसी की पर्सनालिटी को चाहे हम जज करें या ना करें, किसी भी पर्सन को चाहे हम पढ़ें या ना पढ़ें, अगर वो आपके लिए फेयर है, आपके लिए लॉयल है, आपके लिए अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको आपको जज करने की ज़रूरत है। अगर उसकी दोस्ती आपके लिए सही है तो उसके साथ आप जैसे हैं वैसे ही रहें, चाहे वो आपका कितना ही यूज़ कर रहा हो, बट आपके लिए अगर वो सही है तो
तो आपको ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए खुश रहें, हैप्पी रहें, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।